अब एक सवाल यहाँ पर देखते हैं हम, नंदलाल माहिया जी का सवाल है और इन्होंने पूछा है विनती ऑर्गेनिक्स के बारे में। लीजिए, ये भी आपका फेवरेट सेक्टर वाला सवाल आ गया है, बहुत दिनों के बाद घूम कर के आया है। तो इसमें नंदलाल जी कह रहे हैं कि 50,000 का एक लमसम अमाउंट इसमें लगाना चाहते हैं 5 साल के नज़रिए से, तो क्या अभी वो सही समय होगा? पहली बात तो ये कि क्या विनती ऑर्गेनिक्स में उन्हें ये पैसा लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो क्या अभी वो सही समय है या रुक जाए थोड़ा और बढ़िया लेवल्स आपकी नज़र में हैं? विनती ऑर्गेनिक्स जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट बेसिस, तो इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे तो सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। मैक्स टू मैक्स इस पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी ये भी लगता है कि ये ऐसे ही रेंज में भी फंसा रहेगा। बहुत क्लियर कट डायरेक्शन थी इसमें, क्लैरिटी मुझे नहीं है। बहुत से बहुत ये हो सकता है कि अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन कंटिन्यू रहे, बहुत ज़्यादा अगर हो सकता, उससे ज्यादा फिलहाल तो देख के नहीं लगता। अगर कहीं कुछ रखना भी है तो 1950 का एक कट ऑफ लगता है, धीरे धीरे 1950। अगर 1950 के नीचे अगर 2-3 दिन का क्लोज जब तक नहीं मिलता है, मैक्सिमम ये होगा कि ये थोड़ा अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन जो इसका है वो कंटिन्यू रहेगा, और ये धीरे धीरे जब 1950 के आसपास मिलेगा तो वहां से आपके पास 20% का ऊपर रूम भी बन सकता है, तो वो भी फायदा है। बट वैसे आप ये बोलेंगे 5 साल का सीधा इन्वेस्टमेंट, तो ना उतनी कंफर्ट है वैल्यूएशन में, ना उतना कंफर्ट है ट्रेंड में। तो कहीं नीचे मिले तो अच्छी बात है, लेकिन इस लेवल पे तो नहीं कह सकते। यहाँ पर सुमेश, जो आप ऊपर की ट्रेंड लाइन कह रहे हैं, वो ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर तो बहुत साफ साफ बन रही है और बार बार ये दिख रहा है कि उस ट्रेंड लाइन से ही पलटता है और उसके बाद फिर नीचे कहीं पर एक या तो जो ट्रेंड चैनल मैंने बनाने की कोशिश की है बार बार उसमें लगभग कहीं बीच में रुक जाता है। 2 बार ऐसे मौके आए, 2 या 3 बार, जब इसने इस चैनल का जो निचला छोर है वो छूने की कोशिश की है। शायद इसीलिए आप इस चैनल को बहुत वैलिडेट भी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले क्या 200 मूविंग एवरेज लगभग 2,000 पर क्या इसकी तरफ बढ़ता हुआ अभी नज़र आ रहा है? क्या 2,000 के आसपास या जो 1900 के आसपास आप कह रहे हैं, क्या वो एक खरीदारी का बढ़िया मौका होगा या ट्रेंड चैनल के निचले छोर की तरफ आने का इंतज़ार भी किया जा सकता है, जो शायद इनको 1,800 के ऊपर किसी भाव पर शायद मौका दे दे? इसमें बेटर होगा कि SIP कर लीजिए। तो पहला आप 1900 के आसपास एक एक्युमुलेशन कर सकते हैं, और दूसरा 1800 के आसपास, और फिर 1750 का रफली स्टॉप लॉस, तो वो भी एक ठीक तरीका हो सकता है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। जी, लेकिन 1750 का स्टॉप लॉस अगर वो कटा तो क्या मतलब क्या ये शेयर फिर काफ़ी मतलब ज़्यादा कमज़ोरी दिखा सकता है क्या, क्योंकि एक काफ़ी बड़े ट्रेंड चैनल से नीचे आएगा उस हालत में फिर? हाँ करेक्ट है, तो उसके बाद फिर लंबा करेक्शन इसका शुरू होगा। जी, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो फिर इस शेयर की चाल के लिए अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे अब फिलहाल जो 2 स्तर इन्होंने सुमेश जी ने बताया है आपको 1900 के आसपास का, उसका ध्यान रखिए और उसके नीचे से फिर अलग अलग स्तरों पर खरीदारी करते रहिए। 1750 के आसपास स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए।